आज मैं आपको दिखाऊंगा कि दिल्ली में छठ पूजा किस तरीके से बनाई जाती है और छठ पूजा की तैयारी कैसी हो रही है दिल्ली में। लोग शहरों से, बड़े बड़े शहरों से निकल कर वापस अपने गाँव पहुँच जाते हैं बिहार छठ पूजा मनाने के लिए। लोग कहते हैं उगते हुए सूरज को तो सभी प्रणाम कर लेते हैं, लेकिन बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जो डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम करता है। इस सूर्य देव को प्रणाम करके माताएं बहनें जो है अपने कपड़े चेंज करके घर चली जाती है के और बम फोड़ते हैं, और जो भी सेवादार होते हैं जैसे मेरा भाई और उनके कुछ साथी जो कि चाय बना के छठी माँ के बरती। गाइस इसको देखना है, ये पानी मांग रही है, क्या पानी चाहिए? पानी पिएगी, पानी पानी। सो हे गाइस वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है छठ पूजा का समय चल रहा है और बिहार में छठ पूजा बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है, तो ज़्यादातर लोग दिल्ली के जो है बिहार चले जाते हैं छठ पूजा बनाने के लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जो दिल्ली में रुकते हैं और छठ पूजा बनाते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि दिल्ली में छठ पूजा किस तरीके से बनाई जाती है और छठ पूजा की तैयारी कैसी हो रही है दिल्ली में। तो मैं आपको घाट पर जाके दिखाऊंगा। मेरे को भोजपुरी और मैथिली जो आती नहीं है, नहीं तो मैं भोजपुरी या मैथिली में ब्लॉग बनाता, जिससे मेरे बिहार के लोग जो थे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते, लेकिन कोई बात नहीं, हिंदी में ब्लॉग बनाऊंगा और वहाँ पे शायद मैं बोल ना पाऊँ, वहाँ पे जो हल्ला हो रहा होगा या फिर गाने वाने चल जाऊंगे जिससे मेरे चैनल पर कॉपीराइट आ जाएगा, तो मैं वहाँ पर जाकर क्या पता वॉइस ओवर करूँ या फिर ट्यून डाल के आपको दिखाऊंगा दिल्ली में छठ पूजा कैसे बनाई जाती है। आप लोगों ने बचपन से ही सुना होगा कि भारत एक त्योहारों का देश है। इसी तरीके से एक त्योहार या महापर्व कह लीजिए आप बिहार का छठ पूजा, जो कि 4 दिनों तक चलने वाला महापर्व होता है। ये त्यौहार जो है दिवाली के 6 दिन के बाद मनाया जाता है। कुछ लोग शहरों से, बड़े बड़े शहरों से निकलकर वापस अपने गाँव पहुँच जाते हैं बिहार छठ पूजा मनाने के लिए, लेकिन कुछ लोग छठ पूजा मनाने के लिए जहाँ अपने शहरों में वापस रुके होते हैं उसी जगह पे वह छठ पूजा को मनाते हैं, जैसे कि दिल्ली। आज मैं आपको दिल्ली की छठ पूजा के दर्शन कराने वाला हूँ। छठ पूजा जो कि 4 दिनों तक चलने वाला एक त्यौहार होता है, इस दिन माताएं बहनें, जरूरी नहीं है कि माताएं और बहनें, पुरुष भी ये व्रत रखते हैं। छठ पूजा, छठी मैया कौन होती है? छठी मैया कहा जाता है सूर्य देव की बहन है सूर्य देव। लोग कहते हैं उगते हुए सूरज को तो सभी प्रणाम कर लेते हैं, लेकिन बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जो डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम करता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस त्यौहार में पहले दिन, जिसको बोलते हैं नाही खाई, इस दिन पूरे घर की अच्छी तरीके से साफ सफाई करी जाती है, उसके बाद ही खाना खाया जाता है। दूसरा दिन जिसको बोलते हैं खन्ना, उस दिन छठी माई का प्रसाद बना के छठी माई को भोग लगाया जाता है। तीसरे दिन जो माता बहने या जो भी पुरुष जो छठी माई का व्रत रखते हैं वो जाकर पानी में खड़ी होती है, जल में जो भी उनके आसपास नदी होती है, या फिर वो अगर शहरों में रहती है तो कोई घाट में जाके खड़ी होती है और तब तक खड़ी रहती है जब तक सूर्य देव अस्त नहीं हो जाते हैं, मतलब सूर्य देव डूब नहीं जाते हैं। फिर सूर्य देव को प्रणाम करके माताएं बहनें जो है अपने कपड़े चेंज करके घर चली जाती है। फिर आता है पर्व का चौथा या फिर आप आखिरी दिन भी कह सकते हैं, जिस दिन माता बहनें जो है सूर्य देव को प्रणाम करके अपना पर्व ख़त्म करती है। और इस आखिरी वाले दिन ही हम जैसे शैतान बच्चे कुछ पटाखे और बम फोड़ते हैं, और जो भी सेवादार होते हैं जैसे मेरा भाई और उनके कुछ साथी जो कि चाय बना के छठी माँ के बरती के घर वाले जो है उनको चाय देते हैं ताकि ठंड में चाय से थोड़ी राहत हो सके। और ये जो सुबह का आप नज़ारा देख रहे हैं, ये जो मैंने बताया आपको चौथा दिन, इस दिन हमारी छठी माई की बरती महिलाएं जो होती है सुबह 3-4 बजे उठ के अपने नज़दीकी घाट पे वापस से पहुंचती है, डाला लेकर उनके परिवार पहुंचते हैं, फिर घाट में खड़ी होती है। और इतनी ठंड हो रही है, इसे मैं कैसे बताऊँ कि हम चाय पीनी पड़ रही है हमें, इतनी ठंड हो रही है इतनी ज़्यादा। और हमारी माताएँ बहनें जो भी छठी माई की बरती है वो लोग पानी में खड़ी, जैसे कि मेरी बहन है जो छठी माई का व्रत रखती है, और मेरे परिवार के और भी सदस्य आ रखे जैसे मेरी बहन, भांजी, भतीजी। और छठी माई की घाट की रौनक तो आप देख सकते हैं, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो,
सारे व्रती लोग बड़े प्यार से छठ पूजा बनाते हैं, फिर इसी बीच हमें लग जाती है भूख और हम बाहर आ जाते हैं पेटीज खाने के लिए। तो जब तक मैं पेटीज खा रहा हूँ, आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल का आइकन ऑन कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। फिर हम वापस से छठी माई के घाट की रौनक देखने के लिए अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर यह शैतान बच्ची जो कि मेरी भतीजी है किस तरीके से मुझे पानी के लिए परेशान करती है आप देख सकते हैं। गाइस इसको देखना है, ये पानी मांग रही है। क्या पानी चाहिए? पानी पिएगी? पानी पानी ताली देने से पानी थोड़ी मिलेगा। देखो गाइस ताली दे रही है मेरे को, ये पानी मांग रही है। आप पानी में फेंक देते हो। इसको देखना, इसको पानी चाहिए। पानी इसको पानी में डाल देता हूँ। पानी में डाल दूँ? पानी में डाल दूँ? पानी में भाई मार रही है भाई। भगाओ इसे, शैतान बच्ची को पकड़। भाई शैतान बच्ची को पकड़ है। हेलो, हमारे भी सामाजिक कार्यकर्ता हीरा जी बोलिए छठी मैया की। किसी तरीके से शैतान बच्ची से पीछा छुड़ा के वापस से मैं छठी माई की घाट की तरफ आता हूँ। जैसे ही सूर्योदय का समय होता है, छठी माई के घर के लोग जो होते हैं वो जाकर जो इनके माताओं बहनों के हाथों में जो छठी माई का प्रसाद होता है उनके ऊपर दूध से अभिषेक करते हैं और माताओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और जो भी किस्मत वाले होते हैं उनके घर पे माता इन छठी माइयों के, इन छठी व्रतियों के जरिए अपना प्रसाद पहुंचाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के घर पे भी छठी माई का प्रसाद आए और आप लोगों की सारी मनोकामना पूरी होए। मेरी भी एक छोटी सी मनोकामना है, वो लोग आप पूरी कर सकते हो छठी माई की कृपा से। चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन ऑन कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके प्यारा से कमेंट कर दीजिए जय छठी मैया, क्योंकि माई तो सबकी एक ही होती है। ठीक है, तो ये नहीं कि छठी माई सिर्फ बिहार की है। अब इस वीडियो को करते हैं ख़त्म, क्योंकि वीडियो शायद थोड़ी बड़ी हो गई है। और मिलेंगे एक प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय। अगर गाइस इस छठी मैया के छोटे से भगत से आपको थोड़ी भी वीडियो पसंद आई हो मेरी मेहनत से थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और प्यार से कमेंट करना जय छठी मैया, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑन कर देना। देखो मैं बहुत समय से मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ और बढ़िया बढ़िया मैं वीडियो डालता रहता हूँ। आप लोग जाके चैनल को ज़रूर देखो यार, क्योंकि मेहनत मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ लेकिन इतना प्यार मेरे को मिल नहीं रहा जितना मिलना चाहिए। आप लोग प्यार दिखाओ, अगर सिर्फ बिहार के लोग भी प्यार दिखाएंगे तो सोचो कितना प्यार दिखाया जाएगा। और मैंने आप लोगों की बड़ी मेहनत से वीडियो क्लिप शूट करी, पहले शाम की करी, फिर सुबह सुबह उठ के मैं गया छठी घाट पे वीडियो बनाने के लिए। बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ा मेरे को गाइस, सुबह सुबह उठना पड़ा और ठंड में कैसे जाके वीडियो बनाई आपने देखा होगा। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते, इस वीडियो करते एंड, मिलते हैं कोई बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, और कमेंट में जय छठी मैया जरूर लिख देना।